जब से चाइना ने सरहद पार जो कायराना हरकत की है, जिसमें कई जवान शहीद हुए और कई जवान घायल अवस्था में हैं, चीन ने यह गुस्ताखी कर तो दी है, लेकिन इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। अब इस देश में चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदा जाएगा। यह बात कल रीगल चौराहा पर प्रदर्शन करते हुए अग्रवाल महासभा के बैनर तले प्रदर्शन में कही। साथ ही साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई, लेकिन प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहा था। इसके बावजूद भी अग्रवाल महासभा ने प्रदर्शन किया और कहा कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से है और शहीदों को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। यह बात अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कही। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। बताएं आज आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी क्या वजह है और क्या मांग है? इसकी वजह है हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस चीन ने पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया है, इसने लाखों लोगों को मारा है, हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है और ये सिर्फ एक नाटक नौटंकी है। ये कोविड से ध्यान भटकाने का एक नाटक है। भारत उसको छोड़ेगा नहीं, विश्व उसको छोड़ेगा नहीं, ये चीन समझ ले। आज ये प्रदर्शन का मकसद क्या था? हमारा चीनी सामान का बहिष्कार करने का पहला मकसद है। भारत सरकार को भी चेताना है कि सबसे पहले वो अपने इसमें से टेंडर इसके कैंसिल करे, आगे कोई टेंडर ना ले। इम्पोर्टर से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सामान नहीं मंगाएंगे तो कोई भी उपभोक्ता उसे नहीं खरीदेगा। अग्रवाल साहब, एक तरफ जहां इतनी बड़ी आपकी समाज है, एक बहुत धनंड समाज है, मगर आप मुट्ठी भर नजर आ रहे हैं, उसकी क्या वजह? मुट्ठी भर नहीं है, आज हमको परमिशन ने कोई परमिशन नहीं दी है। हमें गिरफ्तारी का उन्होंने आदेश दिया है कि यदि आप इकट्ठे हुए तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा हमें गिरफ्तार होना मंजूर है, पर सैनिकों के शहीदों के परिवार के लिए हम लड़ेंगे, वो कंटिन्यू लड़ेंगे। एक महीने हम पूरे भारत में इस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं। आगे इसका और क्या प्लानिंग है? हमारा ये प्लानिंग है कि हम पहले एमपी में भोपाल है, रायपुर है, इस जगह जाके प्रदर्शन करेंगे। पूरे शहर को यदि ये परमिशन नहीं देंगे तो बैनर और होर्डिंग से फाड़ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रसेन महासभा इंदौर। और उसी के साथ हम इन बलिदान जो भी शहीद हुए हमारे उनके परिवार से सतत संपर्क में हैं, हम उनके साथ हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि उन्हें कोई भी तकलीफ हो, और ऐसे हर शहीद जवान के परिवार के हम साथ हैं।